काम कर सकते हैं अच्छे तरह से। आज का टॉपिक क्या होगा? एंगर कंट्रोल, गुस्सा को कैसे नियंत्रित करें। यहाँ पे कोई है जिसका गुस्सा नियंत्रित है? यहाँ पे कोई है जिसको गुस्सा ही आता नहीं? सबका प्रॉब्लम है? सबको? वेरी गुड। तो ये टॉपिक हमने ऐसे अचानक निकाला क्या? सीरीज चल रही है भगवत गीता, कौन सा अध्याय चल रहा है? सेकंड अध्याय। हम जैसे भगवत गीता में आगे आगे बढ़ेंगे सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन एक ही जगह मिलने वाले हैं, और वो सीरीज है। लाइफ में एक सॉल्यूशन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, एक है गुरु नंदन है, बस एक पकड़े कोई भी समस्या का हल। यहाँ पे हमारा भगवत गीता का कौन सा अध्याय चल रहा है बोलो? दूसरा। और श्लोक क्रमांक अभी तक कहाँ पे आए थे हम? 54 तक आए थे। तो यहाँ पे गुस्सा कंट्रोल ये कहाँ से आ गया? अचानक ऐसे भगवान कृष्ण ढूंढ ढूंढ के टॉपिक ला रहे थे। सारे सेमिनार जो हो रहे हैं, जो मोटिवेशनल सेमिनार सो कॉल्ड, वो सारे कहाँ से है? उगम स्रोत है, वो सोल्यूशन, एक ही सोल्यूशन है भगवत गीता। तो भगवत गीता कहाँ से हमने स्टार्ट की थी? हमारे लाइफ के प्रॉब्लम जो अर्जुन रिप्रेजेंट कर रहा है। अर्जुन क्षत्रिय के रूप में लड़ने जाता है, वहां पे क्या हो जाता है? इमोशनल हो जाता है। तो कर्तव्य दक्ष कितना होना जरूरी है, और हम तो कर्तव्य कर रहे हैं, लेकिन हमें बहुत ही क्या होना नहीं चाहिए, एक तो बहुत हार्ड हार्टेड रहते हैं हम, सिर्फ कर्म ही पूजा है। हम क्या करते हैं दूसरे के बारे में? इनसेंसिटिव रहते हैं, वो भी अच्छा नहीं है। और बहुत सेंसिटिव होना, बहुत इमोशनल होना, वो भी अच्छा नहीं है। इंटेलिजेंट अगर दिमाग से लेंगे ना, तो हम रिजिड होंगे दूसरे के प्रति, कोई भावना भी ना कुछ नहीं लेंगे, कर्म अच्छे करेंगे, लेकिन सबको क्या करेंगे हम? हर्ट करेंगे। रिलेशन जीरो रहते, जो इंटेलिजेंट लोग रहते हैं ना, उनके रिलेशन में प्रॉब्लम होते हैं, तो वो अकेले रहते। और इमोशनल लोग रहते हैं, उनके लोग रहते हैं आसपास, बहुत लविंग नेचर रहते, सेंसिटिव रहते खुद भी और दूसरे के प्रति, लेकिन फिर प्रॉब्लम आता है कि वो इफिकेसी काम में मेंटेन नहीं करते, एंजाइटी डिप्रेशन है ना शिकार होते, एंगर के शिकार होते। एंगर मतलब वो दूसरे के ऊपर नहीं एंगर निकालते, अंदर के अंदर घुटन होता है ना। तो बहुत ही ऐसा समस्या अर्जुन जो रिप्रेजेंट कर रहा है, लड़ने गया क्यों? कर्तव्य क्या था? क्यों लड़ना गए वो? लड़ना क्यों गए वो? भगवान ने बोला लड़ो, तो भगवान लड़ना सिखाते हैं क्या? नहीं, भगवान क्या करना सिखाते? कर्तव्य जो है वो आपको करना ही है, नो एक्सक्यूज। अर्जुन सोल्जर था, आक्रमण हुआ आतंकवादियों का, वहां पे उनका लड़ना फर्ज था क्या? नहीं था। हाँ, भले ही उसमें उनके रिलेटिव थे, जो हमने जज का उदाहरण देखा है कि जज अगर उसके रिलेटिव ही है, सन है उनका, बेटा है, उसने गुनाह किया, तो जज ने क्या करना चाहिए? नहीं नहीं मेरा बेटा है, मैं नहीं सुनाऊंगा उसके पनिशमेंट, चलेगा? इसमें सोल्जर के नाते अर्जुन को युद्ध करना चाहिए था या नहीं चाहिए था? हाँ, लेकिन वो इमोशनल हो गया, ये मेरे दादा है, ये मेरे परदादा है, ये मेरे गुरु है, लेकिन उनकी क्या थे? वो आतंकवादी साइड में लग रहे थे, है ना? तो उनको मारना जरूरी था क्या नहीं जरूरी था? तो ऐसे कुछ इमोशनल पॉइंट, सेंटिमेंटल हो गए अर्जुन और घायल हो गए और उन्होंने सीरीज ऑफ आंसरिंग देना स्टार्ट किया कि मैं लड़ना क्यों नहीं चाहता। ऐसा होता है ना, एग्जाम में क्विक करते हैं हम, गैप देते हैं ना, तो हम सीरीज ऑफ एक्सप्लेनेशन देते हैं, ये बराबर है, मेरा ही बराबर है, मैं नहीं, मेरा मेरा एक्सप्लेनेशन। वैसे अर्जुन के प्रश्न चले पहला अध्याय में, दूसरे अध्याय में उत्तर देना स्टार्ट किए भगवान ने, सारे उत्तर मिले। पहला तो क्या था? वो कर्म को त्याग रहा था। क्या कर रहा था? कर्म को क्विट कर रहा था, है ना? तो कर्म करना कितना जरूरी है, भले ही वो युद्ध में कर्म की रिएक्शन का डर था। क्या डर था? मुझे पाप लगेगा, मेरे हाथ से इतनी हत्या होंगी, सोच बराबर है,
सर्जन बोलेगा मेरे हाथ से हत्या होंगी, चलेगा क्या? चाकू मारना तो जरूरी ना पेशेंट को, चाकू मारना एक्सटर्नल हत्या दिख रही है, लेकिन हत्या किसकी हो रही है? डेड, जो गैंग्रीनस पार्ट है उसको अगर निकाल के नहीं फेंकेंगे तो पेशेंट मर जाएगा। तो पेशेंट बचाने के लिए हत्या करना जरूरी है। वैसे सोल्जर को हत्या करना क्यों जरूरी है? क्योंकि देश की क्या क्या मेंटेन रखने की, लॉ एंड ऑर्डर, नहीं तो क्या होगा, सारा क्या होता है, विध्वंस होगा। तो यहाँ पे हत्या क्या है, जब ऑर्डर मिलता है ऊपर से सुप्रीम, और ऑर्डर राइट पर्सन को मिलता है, राइट ट्रेन पर्सन को मिलता है, राइट टाइम मिलता है, राइट हथियार चलाने का ऑर्डर मिलता है राइट पर्सन द्वारा, तो वो हत्या। इसलिए अगर वो हत्या को सोल्जर हत्या ही करता है लेकिन आतंकवाद का, तो उसको इनाम मिलता है ना। लेकिन दूसरा लोग अपने हिसाब से हत्या चला तो उसको मर्डर का लेबल होता है ना, फांसी की शिक्षा होती है। तो एक्शन कर्म वही है, लेकिन किसके लिए कर रहे हो, किसके डायरेक्शन में कर रहे हो, उद्देश्य क्या है, और आप प्रॉपर पर्सन हो क्या, प्रॉपर टाइम है, ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे भगवान ने एक्सप्लेनेशन क्या दिया, कर्म कांड, कि आप युद्ध करो, भले आप मारोगे तो भी पाप नहीं लगेगा, हारोगे, जीत और हारने के लिए मत करो, हारोगे तो भी स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पे कर्म के लिए क्या कर रहे भगवान, प्रोत्साहन कर रहे, कर्तव्य के लिए प्रोत्साहन कर रहे। अभी कर्म करते करते क्या हो जाता है, कर्म करना, वो क्या कर रहे थे, टेंशन नहीं चाहिए, किसको टेंशन चाहिए, किसको भी नहीं चाहिए टेंशन, लेकिन कर्म करते करते टेंशन बहुत आता है, कर्तव्य करते करते बहुत अपसाइड डाउन इमोशनल बहुत होता है, तो हमको स्ट्रेस भी नहीं चाहिए। तो अर्जुन हमारे जैसा है, वो पूछ रहा है कितना स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है कर्म करते समय, ऐसा कुछ है क्या? कर्म कांड में लाभ हानि होती है, मिलेगा, हार भी गए तो हम स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन वो स्ट्रेस आता है, तो हमको स्ट्रेस लेस भी चाहिए और कर्म भी करना चाहिए। ऐसा क्या है, तो कर्म योग, और उसमें भगवान बोलते हैं कि कर्म करो लेकिन शांति से करो। होगा क्या ऐसा, शांति भी और एक्शन भी एक साथ होता है क्या? तो प्रॉपर सॉल्यूशन भगवान दे रहे, तो वहां पे वो जिज्ञासा निर्माण कर रहे अर्जुन। तो उन्होंने अभी क्वेश्चन पूछना चालू किया, क्या क्वेश्चन था, क्या था कि स्थित प्रज्ञ की क्या भाषा। तो भगवान को प्रश्न पूछा कि हाँ आपने जो बोला है ना, वो स्थित प्रज्ञ कैसे बन सकते हैं, तो हमको हमारा आइडियल आदर्श क्या होना चाहिए जीवन में, स्थित प्रज्ञ, उसके बारे में जैसे सोचेंगे, उसके बारे में सुनेंगे, वैसे हम बनेंगे। हम किसके बारे में सुनते हैं, हमारे यहाँ पे क्या होता है, इल्यूजन, माया। माया क्या बोलते, माया नगरी क्यों बोलते, वो है क्या, रियल है क्या, रियल लाइफ है क्या, नाम भी दिया है माया नगरी, लेकिन हम माया में ही क्या रहना चाहते हैं, इल्यूजन में ही रहना चाहते। वास्तविकता है कि हम जिसको फॉलो करते हैं, हमारे जीवन में आदर्श क्या, जिसको फॉलो करते हैं वैसे हम सोचते हैं, वैसे हम देखते हैं, वैसे इच्छा होती है, वैसे हम बनते हैं। तो वो दिखाते बहुत आइडियल है, आदर्श क्या है, हमारा आदर्श हीरो है, हीरो ही नहीं है, फिल्म स्टार है, स्पोर्ट्स स्टार है, स्पोर्ट्स स्टार को भी रियल रहते हैं, लेकिन फिल्म स्टार में क्या रहता है, क्या रहता है उनका डायलॉग, वो कैसा बोलता है, उनका रियल डायलॉग नहीं रहता है। तो वो अगर फॉलो करते हैं हम, तो हमारे हमको आदर्श कौन है, आइडियल कौन होना चाहिए जीवन में, यही बताया नहीं जाता, ठीक है। तो हम ब्लाइंडली फॉलो करते हैं और फिर जो जो देखते हैं वो ही हमारी इच्छा होती है। तो वहां पे अर्जुन जैसे हमारे प्रश्न चाहिए, अर्जुन जैसे जिज्ञासा चाहिए। तो अर्जुन ने कौन सी जिज्ञासा की, कौन से नंबर के श्लोक में देखो क्या बोल रहे हैं वो अर्जुन, कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थित किम प्रभाषित किम किमासीत व्रजेत किम, वो कैसा दिखता है, उसके लक्षण क्या, कैसे समझना एक्चुअली हीरो कौन है, कैसे समझना एक्चुअल कौन हीरो रहता है, स्थित प्रज्ञ रहता है, हर कंडीशन में एक्शन कर रहा है, युद्ध कर रहा है, फिर भी उसका अपसाइड डाउन नहीं हो रहा है, वो स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ मैंने सिर्फ एक जगह बैठना बहुत आसान है ना, जंगल में जाके बैठना, वो भी नहीं बैठ सकते हम तो, वहां पे हमारा मन क्या होता है, बाहर से शरीर स्थित प्रज्ञ थी लेकिन मन तो ज्यादा घूमेगा। तो एक्शन में रह के भी हम स्थित रहे, कोई भी लाभ हानि के ऊपर भी वो स्थित रहे, तो वहां पे क्वेश्चन आता है कि वो कैसा लक्षण है, वो कैसा, उसके लक्षण क्या है, वो कैसा समझना, वो स्थित प्रज्ञ है, और वो कैसा बैठता है, बैठता है
और वो कैसे चलता है, तो बैठना अर्थात सेंसेस कंट्रोल कैसे करता है, और चलता है अर्थात वो सेंसेस का उपयोग कैसे करता है। तो हमें अगर कुछ चाहिए, सक्सेस चाहिए, तो हमको बहुत पैशनेट होना चाहिए, होना पड़ेगा। लेकिन पैशनेट में बहुत अपसाइड डाउन होता है, स्ट्रेस। तो ऐसा कैसे हो सकता है, हम ऊंचाई के लिए भी जाए और कभी हमारा पैशन की वजह से हमारे इमोशन अपसेट, इमोशन में अप, उसमें एक आता है गुस्सा आता है, तो वहां पे आया अभी गुस्से का टॉपिक शुरू हो गया। तो अर्जुन को कैसा चाहिए एक्शन, बोल रहे ना भगवान मैं युद्ध करूं लेकिन मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए, मैं स्थिर रह के। अभी देखो युद्ध में गुस्सा नहीं आएगा तो वो एक्शन कैसे करेगा, पॉइंट है ना, ऊपर से एक्शन होना चाहिए। पता है भीष्म पितामह के ऊपर वो देख भी नहीं रहा है और उनको मारने के लिए कैसे पॉसिबल है, लेकिन ऐसी एक घटना हुई अभिमन्यु की, जब हत्या हुई और किस हत्या का कौन जवाबदार थे, अभिमन्यु। यह रचना किसने की थी, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह। जब खुद का बेटा गया तब उसका खौल उठा अर्जुन का, तब जाके बाण चलने लगे। तो कर्तव्य करना है लेकिन अंदर से नहीं, गुस्सा बाहर से। तो गुस्सा बुरा नहीं है, जैसे एक सोल्जर को तो गुस्सा करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा ना और एक माँ को भी गुस्सा करना पड़ता है बच्चे को डिसिप्लिन देने के लिए। लालयन पंचवर्षीय नहीं, पहले पांच बार में क्या करना चाहिए, लाल, लेकिन बाद में क्या होना चाहिए, ताड़न। ताड़न ताड़न मैंने, अगर शिक्षक और माँ गुस्सा नहीं करेंगे तो बच्चे बिगड़ जाएंगे ना। तो गुस्सा ये एक्शन में है, लेकिन गुस्सा का प्रॉब्लम क्या आता है, जब अंदर से हम गुस्सा करते हैं, इसका द्वेष करते हैं अंदर से, तो वो हमें अफेक्ट करता है। तो यही हम सीखेंगे अभी। ये प्रश्न अर्जुन के कि कैसा चलता है, तो सेंसेस का उपयोग करता है लेकिन वो बाहर से करता है, अंदर अफेक्ट नहीं होता है। तो अभी आजकल बहुत सारे एंगर क्रोध मैनेजमेंट के लिए आपको बहुत सारे मोटिवेशन, तो वहां पे सोल्यूशन क्या मिलता है पता है, गुस्सा बाहर निकालो, है ना, अंदर के अंदर मत दबाओ, मिलता है ना सोल्यूशन। तो वो बाहर निकालने की चीज से सॉल्व होने वाला है नहीं ना, तो आपको ऐसे नुस्खे मिलेंगे अगर सही जो रूट है भगवत गीता वो अगर रियल प्रॉब्लम रियल सोल्यूशन होना चाहिए, तो वो आज हम देखेंगे ये प्रश्न की सीरीज में। भगवान बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन देते हैं कि गुस्सा उगम कहाँ से आता है, सही डॉक्टर कौन है जो ऊपर ऊपर पैरासिटामोल की गोली दे, फीवर आया दबाओ उसको, रूट कॉज क्या है फीवर का, टाइफाइड है, ट्यूबरकुलोसिस है, मलेरिया है, डेंगू है, उसको ढूंढ के उसका इलाज करना ये जरूरी है ना। तो गुस्सा का अगर परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो आपको ओरिजिन कहाँ से, वो कौन दे सकते, सिर्फ जिन्होंने ये दुनिया बनाई, जिन्होंने मनुष्य को बनाया, जिन्होंने ये इमोशनल बनाया, अंदर तक ओरिजिन भगवान यहाँ पे दे रहे, सोर्स कहाँ से गुस्सा आता है वो आगे दूसरे तीसरे 62 नंबर के श्लोक से चालू होगा, 62 और 63 दो श्लोक इम्पोर्टेंट हम देख रहे हैं। तो आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आज इंदिरा एकादशी भी है ना, एकादशी को किसने किसने पकड़े, वेरी गुड, ये भी एक सोल्यूशन है एंगर कंट्रोल का। तो दोनों का संगम लेके हमारा सीरीज के ऊपर परमानेंट सोल्यूशन हम देते हैं, इसलिए भगवान से और गुरु से प्रार्थना करें। ओम अज्ञान तिरंगस्य ज्ञान जन शलाकया चक्षुर्मीलितेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी की नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशकारिणे वंशाकल्पतरुभ्यः सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे
भगवती वाचालं पन्नु कंते गिरिजस्वपातमहं वन्दे श्रीगुरुर्नतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यं विश्वरूपं हरे कृष्ण। मंदिर में आना, नियमों का पालन करना, एकादशी पालन करना, ये अगर हमारी वैदिक संस्कृति है, सिंपल है, वो अगर फॉलो करेंगे ना, तो आपको अलग अलग सेमिनार, अलग अलग योगा कुछ करने की, अलग करने की जरूरत नहीं। हमारी संस्कृति ऐसी कि हमारे संस्कृति में सब कुछ है, बस हमारा फेथ कम पड़ता है, इसलिए हम स्ट्रिक्टली उसे फॉलो नहीं करते। तो एक है सिंपल, जो हमारे वैदिक संस्कृति में हर 15 दिन में एकादशी आती है, अलग अलग त्योहार आते हैं, इसमें सारे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन है। आप सब खुद एडमिट करेंगे, देखो आपके दादा, पर दादा, पर नाना, उनके लाइफ देखो और आपके लाइफ, उनके लाइफ में कितनी स्ट्रगल थी, आपको बहुत अच्छी फैसिलिटी है, उनको बहुत सारा स्ट्रगल था। दादा पर दादा को मेरे ख्याल से 4 कम से कम बच्चे हुए करते थे, है ना, आपके है ना, चाचा पर चाचा को दादा, कितने भाई लोग रहते थे, बहन लोग रहते थे। आज क्या है, हम दो, हमारे एक, हमारी एक में हम अकेले रहते हैं, क्या एक भाई बहन रहता है, और फैसिलिटी सारी है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन पल पल में चिड़चिड़ होता है ना, चिड़चिड़ होती है कि नहीं। पहले के लोग इतना सारा होने के बाद शांत रहते है ना, तो वो फॉलो करते थे सिंपल। हमने सिंपल चीज बहुत खोई है, इधर उधर ढूंढ रहे सॉल्यूशन। तो यहाँ पे भगवान सॉल्यूशन दे रहे हैं, प्रश्न थे अर्जुन के कि क्या होना है, क्या होना है, स्थित प्रज्ञ किसमें, एक्शन में भी, और इमोशन कंट्रोल, एंगर नहीं होना चाहिए। बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन भगवान एकदम सिंपल तरह से, पहली बात तो गुस्सा आता कहां से। तो यहाँ पे 62 नंबर का श्लोक है, मेरे पीछे दौड़ा, बहुत सुंदर है, सबसे महत्वपूर्ण 62-63 नंबर का श्लोक है। ध्यायतो विषयान् पुंसा, ध्यायतो विषयान् पुंसा, संगस्तेषु उपजायते, संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामास, कामात क्रोध अभिजायते, कामात क्रोध अभिजायते, काम क्रोध लोभ, ये सुना तो है, अंदर भर भरा पके, ऐसा लगता संस्कृत वर्ड है। काम का मीनिंग क्या है, काम अर्थात काम क्रोध लोभ, ये 3 नरक के द्वार है। नरक के द्वार, नरक किसने देखा नहीं हमने, लेकिन ये अंदर है तो नरक का अनुभव हम खुद भी करेंगे, दूसरों को भी देंगे, लाइफ में हम अनुभव करेंगे। अगर 3 चीज आप में है तो आप कभी सुखी नहीं होंगे, और ये 3 चीज आप में है तो आप दूसरों को भी कभी सुख नहीं देंगे, है। तो काम का अर्थ क्या है, काम बेसिक है, ये चीज काम का अर्थ क्या, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे चाहिए, मैं और मुझे चाहिए, ठीक है। तो ये काम कभी सेटिस्फाइड होता है नहीं होता है ना, तो एक तो काम मिला, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो मिला तो क्या होता है, लोभ, और चाहिए, ग्रीड होता है ना, लोभ होता है ना कि मुझे और चाहिए, हमको तो फैशन है, ये दिल मांगे मोर, सवाल है, मिला तो और चाहिए, है ना। तो लोभ, लोभ में भी सुख नहीं है, काम में भी सुख नहीं है। तो आप बोलेंगे काम, काम का अर्थ मुझे चाहिए, मुझे डिग्री चाहिए, अच्छी बात है ना। तो काम, पैशनेट होना ये बुरा नहीं है, लेकिन उसमें मैं आता हूँ, मुझे चाहिए, ठीक है, वो मैं आता है ना, तो वो कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है। चार्जर ही नहीं जा रहा, तो काम मिलता है तो लोभ, और चाहिए, और काम नहीं मिलता है तो मुझे जो चाहिए नहीं मिला तो क्या होता है, बोलो,
क्रोध गुस्सा आता है। तो अभी भगवान बोल रहे कहाँ से आता है ये क्रोध, क्रोध का उगम कहाँ पे है। हाँ, मेडिकल फील्ड में कौन सी भी बीमारी है ना तो उसमें हमको सिखाया जाता है इटियोपैथोजेनेसिस। कोई है मेडिकल में तो आप बताएंगे। हाँ, पैथोजेनेसिस। अगर बीमारी को अच्छा करना है ना तो पहले क्या बोला है, बोलते पैथोजेनेसिस, इटियोपैथ कहाँ से आता है पता होना चाहिए। अगर आपको गुस्सा कंट्रोल करना है तो आपको कहाँ से आता है, सिर्फ भगवत गीता ही देंगे। हमारा सोल्यूशन क्या है, उसको दबाओ नहीं तो उसको निकालो, ये सोल्यूशन नहीं है। कहाँ से तैयार, कहाँ से होता है ये क्रोध। भगवान कह रहे हैं इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। अभी नेक्स्ट श्लोक काम का समझा। अभी काम आसक्ति निर्माण होता है, मुझे चाहिए उसका ध्यान ध्यान करके, जैसे एडवर्टाइज होता है ना, हमको एडवर्टाइज नहीं समझ में आया, कोलगेट टूथपेस्ट को कोलगेट नाम दे दिया हमने, क्यों हमको पता ही नहीं है ये टूथपेस्ट है, उसमें अलग अलग है कंपनी का नाम है लेकिन हम टूथपेस्ट को क्या बोलते हैं, कोलगेट है ना। तो हमको कहां से मिला ये एडवर्टाइज, बार बार देख देख के हम कहां से, सोर्स क्या है, देख देख के इच्छा उत्पन्न होती है ना। तो वो देख देख के जिसका ध्यान करते हैं, जिसका संग करते हैं, उसकी क्या होती है, ऑटोमेटिक इच्छा होती है ना। मॉल में जाते हैं कितना सारा लगा रहता है, मॉल क्यों फेमस है क्योंकि एक साथ इतनी चाहिए, जो चीज लेना नहीं वो भी ले लेते हैं है ना, और वो बोलते पैसे नहीं तो भी चलेगा क्रेडिट कार्ड में लो और गूगल में अगर ढूंढने भी जाएंगे कुछ गलती से कि क्या है, जिज्ञासा भी करेंगे तो इतने सारे फोन कॉल आएंगे आपको, आपने सर्च भी किया आपको लेना है आपको लेना है आपको लेना है, आप ट्रैक में आ जाते। थोड़ा भी संग करो क्या हो जाता है, ट्रैक में आ जाता है। हमारा प्रोडक्ट इतना अच्छा है, हमारे पास एक के ऊपर एक फ्री है, हमारे पास इतना है, आपकी इच्छा हो गई है ना। तो संग किसका करते हैं हम, तो ऐसे जाल में फंस जाते हैं काम लो, और वो सेटिस्फाइड नहीं होता है तो क्या होता है क्रोध कहाँ से होता है। देखो क्रोधार्थ होती सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रह, स्मृति स्मृति भ्रता बुद्धिनाशो, बुद्धिनाश प्रणश्यति, बुद्धिनाश प्रणश्यति। तो यहाँ पे स्मृति भ्रष्णात् बुद्धिनाश, तो यहाँ पे क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोह में आ जाते हैं। देखो क्रोध व्यक्ति देखा, क्रोधी व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है, हिप्नोटाइज होता है, वो क्रोध क्या करता है हिप्नोटाइज, उसको ध्यान रहता है कि मैं कहाँ हूँ क्या हूँ क्या करना है ना। अगर इंटरव्यू के लिए जा रहा है एकदम तैयारी करके और रास्ते में आपको टू व्हीलर पे किसके तो भी मार जाए तो इतना क्रोध आता है उसको निकाल दे, उसके बाप बाप सब निकल जाता है, उसने निकाला तो आप भी उसके निकाला, तो आपको दादा परदादा निकाल देंगे उसके, माँ बाप का नाम नहीं लेना अभी मजा खटक लो है ना। तो आपको ध्यान रहता है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कितने बजे पहुंचना है, नहीं ना। तो वहां पे क्या होता है बुद्धि का, आप उसमें सम्मोह में आते किसके क्रोध में, और वहां पे बुद्धि काम करना बंद कर देती है और फिर क्या होता है बुद्धि नाश प्रणश्यति विनाश हो जाता है। किसके लिए जा रहे, इतना साल तैयारी की, इंटरव्यू मिला और उसके बाद क्या हुआ क्रोध का शिकार हो गए, सम्मोहित हो गए। लेकिन क्रोध कहाँ से आया, आसक्ति में मेरा, और उसमें ये सारा है। तो भगवान बोले क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है, जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है तो बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भव कूप पुनः गिर जाता है। तो क्रोध मेरे लिए, मैं आसक्ति का कारण क्या है, मैं एंजॉयर हूँ, सिंपल है ये, लेकिन मेरा स्वभाव नहीं है। हमको जन्म से सिखाया जाता है तू एंजॉयर है, लाइफ का पर्पस क्या है, एंजॉय करना। सेंसेस तेरी है, शरीर तेरा है, सेंसेस माने शरीर ही हमारा पहचान है,
और सेंसेस है तो एंजॉय करना चाहिए, है ना। तो हमको सब मिला है तो एंजॉय करने के लिए मिला है, अच्छी बात है। एंजॉय करना ये नेचुरल स्वभाव है, लेकिन सेंसेस या हमारी पहचान नहीं। सेंसेस कि स्वामी कौन है, कैसा एक्ट करते, वो पता नहीं। दूसरे की वस्तु है, हम दिखा रहे और मेरा करके यूज कर रहे, मेरे एंजॉय सेंसेस है एंजॉयमेंट के लिए। लेकिन वो सेंसेस काम कैसे करती है, किसकी है? मैं क्या बोलती, मेरा हाथ, मैं हाथ बोलती हूँ क्या? तो मेरी पहचान, मेरा हाथ, मेरा आप, मेरा नोज, मेरी टंग, मैं नहीं हूं ना, तो मैं अलग हूँ कुछ तो हम सेंसेस नहीं है। तो हमारे को ये सिंपल एजुकेशन भी नहीं दिया जाता है, और आपको एंजॉय के रूप में दिया जाता है एक एक्शन। देखो जीवा है मेरे पास, गुलाब जामुन है, तो गुलाब जामुन जीवा भी चाहिए, गुलाब जामुन भी चाहिए, टेस्ट बर्ड भी एक्टिव चाहिए, और ऊपर से कनेक्शन। अगर किसी को अमेरिकन फिल्म में अगर टेस्ट बर्ड और नर्व ऊपर से उसका टेस्ट का कहां पे होता है, ब्रेन में, उसका सप्लाई बंद हो गया। टेस्ट भी है, बर्ड भी है, टंग भी है, गुलाब जामुन भी है, नर्व सप्लाई बंद है, होगा टेस्ट मिलेगा। तो एक टेस्ट एंजॉय करने के लिए क्या क्या चाहिए आपको? ब्रेन इंटैक्ट चाहिए, नर्वस सिस्टम इंटैक्ट चाहिए, टेस्ट बर्ड इंटैक्ट चाहिए, टंग चाहिए, और गुलाब जामुन चाहिए। तो कितने फैक्टर है ये एंजॉयमेंट के लिए, और ये तुम्हारे हाथ में क्या, सब तुमने तैयार किया, टेस्ट बर्ड तुम्हारे हाथ से तैयार किया, टंग तुम्हारे हाथ से किया, गुलाब जामुन तो बोले थे हमने हाथ के, लेकिन गुलाब जामुन के पीछे शक्कर तुमने हाथ के, शक्कर गन्ना आपने तैयार किया, गन्ना आपने तैयार किया, खेत मिट्टी कहाँ से आई, पानी कहाँ से आया, सनलाइट कहाँ से आया, वो भी तुम्हारा नहीं है। टंग तुमने हाथ से तैयार किया, माँ ने हाथ से तैयार किया, टेस्ट बर्ड आपने तैयार किया, नर्वस सिस्टम आपने तैयार की, ऊपर एक्टिवेट तुम कर रहे हो, तो इसके पीछे भी सूक्ष्म हाथ है। आप तो ये तो सिर्फ ग्रॉस है, ये सब ग्रॉस है ना, सटल उसके ऊपर कंट्रोल बहुत है। हम दृष्टि में देखते हैं, हमको लगता है ये आईज ये रहता है ना, ये सनलाइट इसकी वजह से मैं देख पाता हूँ, लेकिन उसके पीछे सूर्य देवता है, मन के पीछे चंद्र देवता है, और सूर्य और चंद्र देवता के पीछे भगवान और बोलते हैं कि उनको शक्ति कहाँ से आती है, मेरे से आती है, ब्रह्म संहिता में है सब उल्लेख। तो वो सारे देव देवता की शक्ति भी भगवान से आती है, तो सब कितना चिस्ती में ना बड़ी, तो हम बोलते हैं मुझे एंजॉय करना है, गलती है ना, हमको ये बेसिक ही पता नहीं। तो एंजॉय करना बुरी बात नहीं सेंसेस इसके लिए, लेकिन मालिक को छोड़ के, वो सैंक्शन देंगे ना तो भी आपको टेस्ट मिलेगा, वो सैंक्शन नहीं देंगे तो टेस्ट नहीं मिलेगा। तो आपको गुस्सा क्यों आता है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हमारा बेसिक नहीं रहा है, मैं एंजॉयर हूँ, मैं मालिक हूँ, मुझे आनंद मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता तो गुस्सा आता है, है ना। तो हम ध्यान करते हैं किसका, एक एक चीज का ध्यान करते हैं, कैसे कैसे ध्यान करते हैं, भगवत गीता कोर्स किसने किया, एक भी नहीं, आप दोनों ने किया, बहुत सुंदर भगवत गीता कोर्स बेसिक है। देखो ध्यान करना, एक एक सेंसेस, ये चीज प्रॉब्लमेटिक नहीं है, आईज, नोज, टेस्ट, हियरिंग, स्पर्श, ये पांच सेंसेस है, इससे एंजॉयमेंट होती है। लेकिन ऐसे एग्जांपल दिया है सिंपल, ध्यान करने से अगर आईज देखने में एंजॉयमेंट है तो इतने आसक्त तो हो जाते। आपने देखा लाइट, लाइट के कीड़े देखे दिन में, रात में होते, सवेरे उठते बराबर क्या होता है, मरे हुए देखेंगे, तो वो क्या पतंगा है, ऐसा कीड़ा है, वो इतना मैड हो जाता है किसके प्रति, लाइट के प्रति, ये साइड है ना, तो साइड तो ध्यान करता है, वो एंजॉयमेंट उतना इतना आता है, इतना मैड होता है कि वहां पे जाके वो अल्टीमेटली एंड क्या होता है, एंजॉयमेंट, इतना आसक्त होता है, एंड क्या होता है, मृत्यु एक हो गया। दूसरा अभी आईज का हो गया, दूसरा क्या है, नोज, स्मेल, पता है भूंग किसमें जाता है, फूल में, मद के लिए, स्मेल के लिए, वो इतना स्ट्रांग रहता है, फूल कितना नाजुक रहता है, वो अंदर चला जाता है,
वो पुल बंद हो जाता है, घुटन महसूस होती है रात में, अंदर जाता है सवेरे देर, उसकी कैपेसिटी नहीं है भूंग को, कितना डेंजर रहता वो, और इजीली वो इतना पंखुड़ी नाजुक नाजुक रहती, बाहर आ सकता है ना, लेकिन वो मैड हो गया है स्मेल्स में, वो अपने एक सेंस की वजह से लाइफ क्या होता है सुसाइड कर लेता है, कैपेसिटी है ना बाहर निकलने की। तीसरा टेस्ट, टेस्ट के लिए कौन सा एनिमल पता है, याद आ रहा है टेस्ट के लिए फिश कैसे पकड़ के पता है, फिश क्या करते हैं डालते हैं ना, और फिशरमैन क्या करता है डालता है दाना डालता है ऐसा बोट पे, और वहां पे फिश मछली आती है, इतने मैड होते हैं उसके वजह से वो जाल में आते हैं मृत्यु। टेस्ट के लिए ईयर, हियरिंग के लिए कौन सा एनिमल का उदाहरण है, डियर हरी, हरी कैसे शिकार होते हैं म्यूजिक से, मैड होते हैं और वो शिकार होते हैं। और स्पर्श का एग्जांपल दिया हाथी का, हाथी इतना बलाढ्य है उसको पकड़ के लाना बहुत मुश्किल की बात है ना, कैसे लेके आते सर्कस वाले लोग हाथी को, हाथी को बेचते हैं फीमेल हाथी, और वो इतना मैड होता रहता है ऑपोजिट सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, और वो देख के पागल होता है, और वो हाथी का उपयोग करके हाथी को जाल में, अभी कितना स्ट्रांग है वो लेकिन एक सेंस वीक है, हो गया शिकार। अभी ये पांच अलग अलग चीज है, एक ह्यूमन बींग को तो पांच ही चीज एक्टिव है, हम मैड है ना, देखने के लिए मैड, स्मेल के लिए मैड, टेस्ट के लिए मैड, सुनने के लिए मैड, स्पर्श के लिए मैड, हम रोज मर रहे हैं हम, और ऐसे लोगों का हम क्या करते हैं अच्छी चीज देखती है, तो प्रॉब्लम क्या है, भगवान ने दिया आंखें देखने के लिए देना, बार बार देखो ये देखने की चीजें हजार बार देखो, लेकिन क्या ध्यान करना स्वभाव है, अटैचमेंट होना स्वभाव है, एंजॉय करना स्वभाव है, लेकिन उसमें हम क्या होता है फंस जाते हैं, वो ध्यान आसक्ति होता है, मेपन होता है, काम होता है, काम से क्या होता है मुझे चाहिए चाहिए, तो वो पिक्चर आता है शाहरुख खान का, वे जब देखती थी अभी तो मुझे पता नहीं है, वो आता था ना काजोल, और उसका ही काजोल का जरा जादू तेरी नजर, वो मैड हीरो क्या दिखता है बस मुझे चाहिए, वो पूरा मैड और वो हीरो बन जाता है, था तो विलन तो है ना, वो मारता है हीरोइन को है ना, तो ये सही प्रेम है नहीं है ना, तो काम का अर्थ क्या है मेरा एंजॉयमेंट है, तो इसे प्रेम नहीं बोलते, जो मुझे चाहिए उसको मारेगा क्या, जिसके बारे में प्रेम है वो मारेगा क्या आप उसको, तो जिसके बारे में प्रेम है तो वो उसका सोचना चाहिए क्या मेरा सोचना चाहिए, अगर मैं आता है तो उसमें डिस्ट्रक्शन, आप डिस्ट्रॉय करने वाले हैं आपके बारे में, तो प्रॉब्लम चाहिए ये नहीं है, प्रॉब्लम मेरा एंजॉयमेंट चाहिए, ये बैड थिंग, तो देखना हमने क्या देखा था, देखना है ना तो भगवान कृष्ण को देखो, हमको नहीं अटैच होना उसमें, हमको वो शॉपिंग कौन सी शॉपिंग आती है मीशो और क्या क्या है, हम फ्लिपकार्ट, बाप रे बाप, हम घंटों देख सकते हैं इंस्टाग्राम के रील्स देख सकते हैं, वहां पे मुरलीधर के सामने आके नजर पांच मिनट क्या देखना है उसमें, भगवान खड़े उन्होंने क्या पहना है, ज्यादा से ज्यादा धोती पहनी है, माला पहनी है, उनका टर्बन ये कलर का है, उसमें है हो गया फिनिश, नजर टिकती है नहीं देखते हमको वो देखने की, जन्म जन्म से आदत क्या है मैं मेरा, और वो चीज चाहिए, थोड़ा देर देखिए मेशो में जाते है पहला टाइम पर, ऐसी इच्छा होती है मुझे चाहिए, हाँ चाहिए कि नहीं, इच्छा तो होती है ना, और नहीं मिला तो एक बार मिला तो और चाहिए और दूसरी डिजाइन चाहिए, वो उसकी लत लग जाती है, फिर हमारा ये ब्रांडेड हम ऐसे पहने के आदत हो गई ना, दूसरा नहीं चाहिए हमको, हाँ मिला तो उसकी हमारी आदत हो जाती और नहीं मिला तो क्रोध हो जाता है, अभी क्रोध को कंट्रोल कैसे करें, बहुत प्रैक्टिकल है ना, तो क्रोध ऐसी चीज है क्या कंट्रोल करने की चीज है, क्रोध मेरे बोला राइट टाइम में राइट थिंग होना चाहिए,
जैसे टीचर को क्रोध करना पड़ेगा, सोल्जर को गुस्सा कंट्रोल करना पड़ेगा। तो काम क्रोध, काम भी बुरी चीज नहीं है। मुझे चाहिए, डिग्री चाहिए, मुझे स्टडी करना है, अच्छी चीज है ना, वहां पे काम नहीं, नहीं ये काम है। एम्बिशियस नहीं होना चाहिए, ऐसा है नहीं, वो बुरा चीज नहीं है, वो कर्तव्य के रूप में। तो हमारा कर्तव्य के रूप में हम करेंगे, अंदर मेरा में जो हमारा हार्ट है वो अंदर तक नहीं जाना चाहिए, वो सेपरेट रहना चाहिए। तो ये सीखना भगवान बोलते हैं कि ये बहुत ही जरूरी है, और ये इसके लिए प्रैक्टिस करिए। वर्ष जन्म जन्म से, वर्ष तो नहीं, आप बोलेंगे मैं अभी के अभी आज है ना, आज से मुझे गुस्सा कंट्रोल करना है। पहली बात तो अपने आप मंदिर में आके, बार बार मंदिर में आके जब करने से 100% होगा। इतने जन्म का गुस्सा है, इतने जन्म का हमारे अटैचमेंट है, इतने जन्म से हमारी पहचान में एंजॉयर हो। आज हमें थोड़ा थेरोटिकली समझ रहे, मैं एंजॉयर नहीं हूँ, भगवान एंजॉयर है, सब भगवान का है। एक भी एक्शन होती है कि हमको गुस्सा क्यों आता है बताओ, इसलिए मुझे गुस्सा क्यों आता है, ये जवाबदार है उसको, है ना। तो हमको अभी एक्शन मिला कि एक चीज होने के पीछे कारण क्या है, शॉर्ट एक्शन, एक पर्सन है उसके वजह से हुआ। आपने कुछ नहीं किया, वो आके गाली देके चला गया, आपको गुस्सा तो आना ही, आपको आके माँ से गाली दी तो गुस्सा तो आना चाहिए, माँ के प्रति, देश के प्रति, स्वाभिमान तो चाहिए ना। तो वो एक शॉर्ट टर्म क्या है, वो इंसान जवाबदार है, वो शॉर्ट टर्म एक्शन है, मतलब शॉर्ट टर्म उसके भी है कारण। दूसरा कारण क्या है, मेरे कर्म होंगे, वैसे मेरे कर्म ऐसा है कि उसके द्वारा मुझे हर्ट करना है, मैंने कभी हर्ट किया है तो अभी वो कर्म की रिएक्शन के रूप में वो आया है, दूसरा कारण। तीसरा, उसके पीछे हायर सुप्रीम, अपने आप कौन से एक्शन होते नहीं, ये भगवद गीता का सिद्धांत करना। अगर जो ऊंचे थिंकिंग वाला है ना, वो तीन चीज देखेंगे, गुस्से करना वाले कौन है, इग्नोरेंट वाले गुस्सा ज्यादा करते हैं, इसलिए वो सिर्फ क्या देखेगा, अभी का इमीडिएट कारण देखेंगे, इसके वजह से मुझे गुस्सा है, ये मुझे, इसने मुझे डिस्ट्रॉय किया। तो उससे वजह से हमेशा क्रोधित, अभी क्रोध कैसा है, एक तो नाना पाटेकर जैसा क्रोध होगा, सिर्फ बोलना, भड़कना भड़कना भड़कना, जोर जोर से शाउटिंग करना, ये क्रोध है। लेकिन मीना कुमारी का भी गुस्सा आता है, कैसे मीना कुमारी स्टाइल गुस्सा कैसे रहता है, जैसे हम लोग फीमेल है, हम नाना पाटेकर का गुस्सा करते हैं, मेल लोग करते हैं ना नाना पाटेकर का गुस्सा, धार 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 धार, हमारे फीमेल भी कुछ कम नहीं रहती, कभी कभी वो भी नाना पाटेकर भी कर देंगे, लेकिन हम थोड़ा सा मीना कुमारी स्टाइल रहते हैं, हमको गुस्सा आए तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ चुपचाप बैठेंगे ना तो सिर्फ रोएंगे, तो उसको गुस्सा नहीं बोलेंगे क्या, बोलेंगे ना, बोलेंगे, तो वो भी गुस्सा है। और सहन करना है, जैसे बॉस चिल्लाता है, अभी सर्वेंट है, नौकर है, बॉस गलत भी है तो कुछ बोलेगा क्या बेचारा, अंदर ले लिया उसने, लेकिन गुस्सा अंदर लेना ये सोल्यूशन नहीं है। अभी अंदर है, मेरा कुछ दोष नहीं है, लेकिन उसने मेरे ऊपर चिल्लाया, अभी वो चिल्लाया ना, वहां पे सॉर्टिंग नहीं की, क्यों चिल्लाया ये पता नहीं है, तो एटलीस्ट नॉलेज, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे हम। तो अपने आप सिर्फ मेरा कहना यही है कि मंदिर में आके हम सिर्फ अभी स्टार्ट की ये प्रोसेस, अभी थेरी समझ ले नहीं, मंदिर में आने के बाद तुरंत दूसरे दिन से गुस्सा कंट्रोल होना चाहिए, शांत होना चाहिए, तो फिर कुछ नहीं, ये सोल्यूशन प्रॉपर नहीं आता है ना। पैरास्टामोल की गोली से, मेडिटेशन करने से तुरंत गुस्सा शांत हो रहा है, तो टेम्पररी सॉल्यूशन है भाई, ये परमानेंट सॉल्यूशन है। तो वो गुस्सा है ना, वो कैरी करके घर लेके जाता है। अभी वो इंसान कहाँ पे निकालेगा गुस्सा, अपने बीबी के ऊपर, बीबी क्या करेंगी, पहले की जो हाउसमैन थे, अभी की बीबी तो पूरा राइट लेफ्ट राइट होगा दोनों का, इसलिए पहले शांति क्यों रहती थी, क्योंकि यो इंसान जो रहता था मेल बाहर कमाता था, फीमेल कौन रहती थी, हाउस वाइफ रहती, और उसका स्वभाव क्या रहता है, शांत, क्योंकि वह डिपेंड है ना बेचारे। आज डाइवोर्स इतने क्यों हो रहे, हम डिपेंड नहीं है, हमको आगे करना है, तो हमारे सिस्टम है बहुत अत्याचार स्त्रियों के ऊपर, हमारे वैदिक संस्कृति उसको सिखाया नहीं जाता, हम भी माता पिता से डरते हैं ना, हमारे मम्मी पापा नहीं भेजते बाहर सिखाने के लिए, डरते हैं, उनका अलग थिंकिंग है भाई,
पुराने ख्याल के लोग हैं ये ना, ऐसी हमारी संस्कृति, हम संस्कृति को फिर बोलते हैं और आज हम बंट करके बाहर निकले तो फिर वो गुस्सा निकालेगा बीबी के ऊपर। पहले की बीबी है शांत सुर, क्योंकि पता है बाहर जाता है आदमी होता है नोक झोंक, तो बेचारे कहा मेरे ऊपर ने तो कहा किसके ऊपर निकाले शांत, लेकिन वो बीबी किसके ऊपर निकालेगी अभी, नहीं नौकरानी के ऊपर, ठीक है। और नौकरानी घर जाके किसके ऊपर निकालेंगे, उसके बच्चे के ऊपर। ये सोल्यूशन है, सहन करना सोल्यूशन है, गुस्से का सोल्यूशन ये भी नहीं है। और दूसरा सोल्यूशन क्या बताए, गुस्सा है ना क्या करो, निकालो बाहर, कुछ तो मारो, नहीं तो फिर बॉक्सिंग करो, खंबे के ऊपर निकालो, ये सोल्यूशन है नहीं, सोल्यूशन नहीं है ये। हाँ वर्क बाहर निकालना भी सोल्यूशन नहीं है, दबाना ये भी सोल्यूशन है। जैसे अभी गुस्सा आया, चलो माला लेके बैठो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, तो पूरा भगवान का हरे नाम के ऊपर गुस्सा दिखेगा क्योंकि अभी दिमाग ठिकाने पे नहीं है। जैसे गुस्सा मैंने क्या है, क्रोध अग्नि है आपको, नहीं तो हमारा प्रॉब्लम क्या रहता है, गुस्सा आ गया ना तो हम किसको, सबको बताते कि उसने ऐसा किया उसने वैसा किया, पूरा कंटिन्यू वो क्या है निकालना है। हम जेंट्स के जैसे बॉक्सिंग नहीं करेंगे, जेंट क्या करते हैं ऐसे कुछ बाटली मिली ऐसा क्रश करेंगे फेंकेंगे बहुत मारेंगे, हम वैसा नहीं करते। हमारा क्या है, हम सबको फोन करेंगे और क्या क्या हुआ बताएंगे, क्या ऐसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ वैसा हुआ बताए। तो उसके लिए सोल्यूशन है कि ऐसा है, उसके लिए एग्जांपल क्या है, अगर आपके घर में आग लगती है पहला रेमेडी चाहिए गुस्से की, पहले तो हमको थ्योरी समझी प्रैक्टिकल भी समझा, अब भी का बताओ ट्रीटमेंट। अभी मेरे पास पेशेंट आया बुखार आया बहुत बराबर है, और मैं बोलूंगी डायग्नोज किया बहुत सारे टेस्ट किया और अल्टीमेटली मैंने 2-3 दिन के बाद बोला कि आपको ये टीबी की बीमारी है, टीबी के गोलियां लेंगे तो 8 महीने के बाद टीबी निकलेगा, तब तक क्या थियरी आपको समझी कहाँ से कि मैं एंजॉयर नहीं हूँ, और मैं एंजॉयर कभी की टेंडेंसी है, जन्म जन्म की टेंडेंसी। और अभी हमने हम कृष्ण का मेन एंजॉयर है, लेकिन कृष्ण की तरफ हमारा अटैचमेंट है, वो सही अटैचमेंट है, लेकिन एकदम आज के यार थोड़ी अटैच होने वाले हैं, आज के यार जपा थोड़ी करने वाले शांति से, हम एक माला भी नहीं कर पाते क्योंकि हमारे हमारे ऊपर प्रेम है, भगवान के ऊपर प्रेम 5 मिनट भी नहीं, हमारे 5 मिनट भी देख नहीं सकते, 5 मिनट माला लेके भी बैठे। अभी का सोल्यूशन क्या है, तो अभी को हमको ऐसा वर्क करना पड़ेगा। कैसे, अगर आपके घर में आग लगती है, गुस्सा है, आग लगना है ना अंदर घर अपना घर, तो आग लगने बराबर पहला काम क्या करते, पड़ोसी को बोलते चलो हमारे घर आग लगी है, तुमको पता है क्या मैंने ऐसा किया था वैसा किया और आग लग गई, ऐसे करेंगे हम। तो वैसे गुस्सा आया तो हम किसको बोलेंगे, सबको बोलेंगे है ना, इसने वैसा किया इसलिए मैंने गुस्सा किया और मेरा गुस्सा कैसा राइट है, इससे आग क्या होने वाला, वो अंदर आग भड़क 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 और बढ़ेगी है ना। तो पहला क्या है, आग लगे तो क्या करेंगे, आग घर में लगे तो क्या करेंगे, पानी डालेंगे। तो पहला सॉल्यूशन ये है कि हमको अलर्ट रहना है, कि मुझे पहचानना है हमको गुस्सा आता है, मुझे एडमिट करो मेरा नेचर गुस्से का है, पता है ना, ये तो पेशेंट को पता होना चाहिए। पेशेंट डॉक्टर के पास आता है मुझे बुखार आ रहा है, तो आपको पहला आइडेंटिफाई करना है कि मुझे गुस्सा आता है, और दूसरा क्या है, अलर्ट रहना, मुझे आ रहा है गुस्सा, अलर्ट रहो। हमारा क्या होता है, बुद्धि नाशक क्या होता है, क्रोधा भवति सम्मोह, हम तुरंत सम्मोह में चले जाते हैं, सम्मोह में हम देखते नहीं मुझे गुस्सा आ रहा है। देखो गुस्से में बहुत शॉर्टिंग होती है बराबर है ना, इतना गुस्सा आता है तो शॉर्टिंग क्यों होती है, दोनों तो पास में है सामने सामने है, जोर जोर से आवाज क्यों होता है, कहाँ पे जोर से आवाज आना चाहिए, एक ऊपर है इंसान एक नीचे, वो जोर से शाउट करना पड़ा, अरे तुम साफ पास में हो शाउट करने की क्या जरूरत है। तो गुस्सा झगड़े का रीजन क्या होता है कि आपके आप पास में है लेकिन आपका हार्ट है ना बहुत दूर है, जिसका हार्ट बहुत नजदीक है, प्रेमी देखी गई युगल प्रेमी, कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो, मेरे टाइम से भी हो गया मुझे अभी के लिए, वो बोलती नहीं है। प्रभु रामचंद्र सीता का भी उल्लेख रामायण में आता है, जब पंचवटी में गए वो वहां पे
बिना बोले ही प्रभु रामचंद्र को सीता को क्या चाहिए पता, क्योंकि क्या है हाथ जहाँ हाथ तस्दी के वहां पे बोलने की भी सिर्फ इशारों इशारों में सब कुछ होता है, लेकिन जहाँ पे दो हाथ पास होते भी तो गुस्से का पहला रीजन क्या है, एक दूसरे के ऊपर क्रोध निकालना कि आप हार्ट कनेक्शन नहीं है, डिस्कनेक्टेड हो गए और आप बहुत दूर है इसलिए चिल्ला रहे हो, तो अपनापन नहीं है, हार्ट में कृष्ण नहीं है, आपके हार्ट में कृष्ण है, दूसरे के हार्ट में कृष्ण है, तो वहां पे बहुत नजदीक है, वहां पे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, वहां पे एडजस्टमेंट हो। कितना जरूरी हमारी वैदिक संस्कृति कि हमको हार्ट में कृष्ण है, भक्ति है कि सिंपल भावों का ही है, फिलोसफी है कि हम कृष्ण के अंश है, सभी कृष्ण के अंश है, एक बार कृष्ण से प्रेम करना सीखो, आप कृष्ण से प्रेम करेंगे सिंपल रेमेडीज है, हर जीव से प्रेम करेंगे, कृष्ण से प्रेम करेंगे तो हर जीव में कृष्ण देखेंगे, आप सबको प्रेम करेंगे, सबके लिए हारने के लिए तैयार हैं, हमारा क्या प्रॉब्लम है राइट रॉन्ग, मेरा राइट है और वो झंडा लेके बैठते, हम चिल्लाते क्यों है मैं बराबर, ये दिखाना है और तुम रॉन्ग है, प्रेम में ऐसा नहीं रहता, प्रेम में क्या है प्रभु, देखो कितने सुंदर सुंदर स्टोरी है रामायण में, प्रभु रामचंद्र और सीता पंचवटी का उनका पास टाइम है, तो एक बार सीता महारानी को प्रभु रामचंद्र की वो आइडेंटिफाई किया उनका मूड कैसा है, देखो मूड से ही समझ में आता है उनको क्या चाहिए, अभी पत्नी चिल्ला चिल्ला के बोलती मुझे ये गा के दो, तो भी पति को समझता है क्योंकि हाथ नजदीक नहीं, क्योंकि हाथ में राम नहीं, तो राम कृष्ण हाथ में होना इतना जरूरी है, भगवान अंदर है उनके हृदय में है, हमको उनके हृदय में क्या चल रहा है वो भगवान बराबर बताए, कितना सिंपल स्वरूप, उनको वो इच्छा हुई कि अभी हम स्विमिंग के लिए जाएंगे नदी में, तो दोनों ने, और फिर इच्छा हुई कि हम रेस खेलेंगे सीता प्रभु रामचंद्र, और वो रेसिंग में अभी कौन जीतेगा, कौन जीतने वाला प्रभु रामचंद्र, लेकिन प्रभु रामचंद्र ऑब्वियसली चले भी गए, लेकिन सीता महारानी के लिए उन्होंने वो एकदम चलते चलते उसने देखा कि प्रभु रामचंद्र गए, प्रभु रामचंद्र तीर तक पहुंच गए थे, लेकिन सीता महारानी को आनंद देने के लिए उन्होंने नदी में छुपा लिया और फिर से आए और पीछे रह गए, और फिर ऊपर किया तो सीता महारानी कहा ये रामचंद्र तो पीछे है, वो इतने आनंदित होगी, इतने स्पीड लिया उन्होंने तीर तक पहुंच गए, तो हारने में अपनों के हारने में जीत है, क्यों है ये, क्योंकि उतना प्रेम, लक्ष्मण को क्रोध पता है, वो लक्ष्मण क्रोध क्रोध पर्सनल अफेयर है, आनंद शेष ना भी पुरस्कार पे लक्ष्मण किसका रूप है आनंद शेष, तो वो का नेचर ही क्रोध है, तो प्रभु रामचंद्र के लिए प्रेम के लिए क्रोध करना कोई बात नहीं है, इतना प्रेम था भगवान में, जब तुमको पता है चातुर्मास चल रहा था, बाली और सुग्रीव का उन्होंने युद्ध करके सुग्रीव को जिताया था, सुग्रीव ठहरे कौन वानर, वानर जो नर नहीं है, उनकी एंजॉय करने की टेंडेंसी, वो भूल गए प्रॉमिस, उन्हें जीता के बाद सीता को ढूंढना था, वो चले गए चातुर्मास में, चार महीने पाई नहीं जाते तो एक जगह वो एंजॉय करने लगे सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, और वहां पे लक्ष्मण को गुस्सा आ गया, चार महीने हो गए आपको जिताया, आप एंजॉय कर रहे अपना, वहां पे इतना क्रोधित हुआ कि कंपन मैंने पूरी पृथ्वी ब्रह्मांड कंपन करने लगे, इतना क्रोध लक्ष्मण, वही लक्ष्मण जब सीता महारानी का अपहरण हुआ, सीता महारानी का अपहरण हुआ पहले क्या बोले लक्ष्मण ने प्रभु रामचंद्र की सीता को मत छोड़ो, मारिच आवाज रहा था, आवाज दे रहा था, क्या दे रहा था कि पहले तो सीता महारानी ने प्रभु रामचंद्र को भेज दिया, मुझे वो हरिण चाहिए, अभी पत्नी हटे करना पड़ा, लेकिन यहाँ पे भी काम का उधर आता है, भगवान साक्षात थे, उनकी इच्छा क्या हुई मुझे हरिण चाहिए, पहला शुरुआत क्या हुई काम, काम भगवान को छोड़ के जो करना है वो काम है, आपको चाहिए ना तो भगवान
भगवान के लिए अंतर मुझे जो कुछ चाहिए, मुझे अच्छे कपड़े चाहिए, क्यों पर मंदिर में जाना है, भगवान के भक्त हो, भगवान के भक्त का कि मैं अगर अच्छी दुख की तो लोग भक्ति को प्रमोट करेंगे, तो सेंटर में भगवान होना चाहिए। मुझे खाना है प्रसाद खाओ, मुझे सुनना है भगवान के कितने सारे म्यूजिक, कितने सारे सुंदर सुंदर भजन है, प्रसाद भक्त भगवान को ऑफर करके खाना है, उसमें भी एंजॉयमेंट है ना, तो सुनना है तो भगवान को ऑफर किए और देखना है तो भगवान की सुंदर सुंदर देखो विग्रह है, उनके सुंदर सुंदर ड्रेस रहते हैं, उनके सुंदर सुंदर डेकोरेशन रहते हैं, अभी शरद पूर्णिमा के दिन सबसे सुंदर दर्शन होता है, आओ अपने आंखों का एंजॉय करो। तो वहां पे भगवान है अंदर, तो काम भी अच्छा है क्रोध भी अच्छा है। देखो लक्ष्मण का अभी सीता महारानी उन्होंने वो भी है जैसे कामात क्रोधात विजयते, ये श्लोक है फॉर्मूले, लेकिन रामायण में महाभारत में भागवत में उसकी स्टोरी बताया, फिर आपको विस्तार से समझेगा कि क्या हुआ। तो सीता महारानी की गलती नहीं किया भगवान ने, जैसे अर्जुन को जानबूझ के समुद्र में डाल के गीता हुई वैसे रामायण हुआ, ये पास टाइम की वजह से। सीता महारानी इतनी प्रेम करती थी, वो छोड़ भगवान को छोड़ के उनको हरिण मांगने की जरूरत नहीं थी, ये रचना प्लान किसका था, डायरेक्टर भगवान का, भगवान ने जानबूझ के उनको समुद्र किया, उसको किसके प्रति अटैक किया, अटैक उन्हें अटैच किया हरिण के प्रति, ये हमको रामायण देने के लिए लग, और अल्टीमेटली रावण का वध होने के लिए ये फॉर्मूला वहां पे लगता है। उन्होंने क्या मांगा, हरिण चाहिए काम काम, और वहां पे भगवान किसको भेजा, पति को भेजा। वहां पे मारिच ने क्या किया, जैसे राम गए सीते लक्ष्मणा धाव धाव, उसकी चाल थी, अभी लक्ष्मण को उन्होंने ऑर्डर दिया था कि सीता महारानी को मत छोड़, तो वहां पे उनकी ड्यूटी है, लेकिन किसको गुस्सा आया, उन्होंने बोला आप लक्ष्मण आपको पुकार रहे भैया जाओ, लेकिन लक्ष्मण को पता था मेरे भाई को भगवान है, उनको कुछ नहीं होने वाला, वो क्यों मुझे पुकारेंगे, वो खुद भगवान है, तो बोले ये नहीं हो सकता। लेकिन सीता महारानी को गुस्सा आया, कामात क्रोधात अभिजायते, काम हरिण और नहीं मिला, गुस्सा किसके ऊपर आया, देवर के ऊपर, जो देवर जिन्होंने इनकी भी शादी हुई थी उर्मिला जी को त्याग के आए थे, तो फिर हस्बैंड वाइफ दोनों आए थे, वो अपने उनको वनवास हुआ था लक्ष्मण को जी नहीं हुआ था, अपने भाई के लिए अपने बीबी को त्याग कर आए, किसका ज्यादा त्याग है, लक्ष्मण का, और किसके लिए, भैया और भाभी की सेवा के लिए, और ऐसे लॉयर कि उन्होंने अपने भाभी के तलवे के एक नाखून बस इतना ही देखा था, ये डेडिकेशन था, और ऊपर से ये दोनों के सेवा के लिए आए थे, कौशल्या ने भी ऐसे दिया था कि कौशल्या के पास गए सॉरी सुमित्रा के पास लक्ष्मण जी गए आशीर्वाद देने के लिए, तो सुमित्रा क्या बोले, लक्ष्मण तुम भाई के साथ जा रहे हो ना, तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा मत बोलो कि तुम इधर रहने के लिए आए कि अपने भाई को छोड़ने के लिए जा रहे, नहीं आप उनके आगे जाओ, उनकी सेवा के लिए आपको जाना है। तो उर्मिला ने भी नहीं बोला, अभी अभी शादी हुई हनुमान भी नहीं हुआ, आप जा रहे 14 साल के लिए भाई के लिए भैया भाभी के लिए, उन्होंने भी नहीं बोला। और लक्ष्मण दोनों को सेवा करते थे, राम और सीता, पता है 14 साल एक दिन एक रात भी नहीं सोए, इतना डेडिकेशन है। लक्ष्मण का अर्थ क्या है, लक्ष्मी और लक्ष्मण, सबसे बड़ा लक्ष्मी संपत्ति क्या है, भगवान की सेवा, यही उनको जब टेस्ट आता है ना भगवान की सेवा के लिए, सबसे ऊंची हमारी वो संपत्ति है, तो वहां पे इतना टेस्ट है लक्ष्मण को, वो सेवा कर रहे दिन रात। अभी भाभी को गुस्सा आ गया, क्या बोला, गुस्से में क्या बोल सकते हैं देवर को जो इतना डेडिकेटेड, क्या बोला, लक्ष्मण आपकी नीयत अच्छी नहीं हो रही, भैया को खतरा है, आप जानबूझ के नहीं जा रहे, उनको वो मर जाएंगे फिर आप मुझे मेरा भोग करेंगे, ये तुम्हारी इच्छा है। अब ऐसा अगर व्यक्ति सुनता है तो उसको कितना गुस्सा, वो खुद क्रोध पर्सनोफाइड है, उसको कितना गुस्सा आना चाहिए था, है ना, ऑलरेडी नेचर गुस्सा आना बात ये नहीं है, उनका नेचर है, जैसे भीम गुस्से वाले, युधिष्ठिर हमेशा शांत रहने वाले, बुरा नहीं वो नेचर है स्वभाव, आप बोलेंगे सब किसके लिए यूज कर रहे, भीम ने गुस्सा का यूज, हनुमान जी गुस्से का उपयोग कहा किया, लंका जलाने के लिए, गुस्सा गलत नहीं है, भगवान की सेवा के लिए यूज करना है, गुस्सा कंट्रोल मैंने क्या है, गुस्सा ने आपको कंट्रोल नहीं करना चाहिए, गुस्सा ने आपको यूज नहीं करना चाहिए, आप गुस्से को यूज करना चाहिए, ये सही कंट्रोल है। यहाँ पे लक्ष्मण को कितना क्रोध आना चाहिए था, आ गया क्रोध,
नहीं, उन्होंने लक्ष्मण रेखा मारी और भाभी की आज्ञा है, पता है ये गलत है, लेकिन ऐसा बोलने पर क्या करेंगे, फिर चलेंगे वहां पे जाते हैं। अभी देखो आगे प्रभु रामचंद्र देखिए ऐसे खोलते हैं लक्ष्मण के ऊपर, वो बोलते हैं मैंने आज तक तेरे जैसा कायर नहीं देखा, आपको मैंने बोला था भाभी क्षत्रियो तुम लांछनो, सिर्फ एक स्त्री की रक्षा के लिए छोड़ा था, उसको छोड़ के कैसे आ गया। तो यहाँ पे कैरेक्टर के ऊपर गाली, वहां पे कर्तव्य के ऊपर एफिकेसी के ऊपर गाली, कितना गुस्सा आना चाहिए था लक्ष्मण को। बोला एक बोलता उनको भी, उनको दोनों को गाली देके वो वापस जाना चाहिए था, वो मिला सब हम जैसे बोलते होते तो बाहर में जाए सब कुछ हम जाते थे, लेकिन ऐसा किया लक्ष्मण ने, गुस्सा आने के लिए राइट वजह थी, सब राइट था, लेकिन कंट्रोल किसके लिए कंट्रोल किया पता, प्रभु रामचंद्र के प्रेम के लिए उन्होंने पॉज किया। तो गुस्सा का पहला क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए गुस्सा आ रहा है, जैसे ही कंट्रोल, फिर पॉज होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, आप अलर्ट रहना चाहिए आ रहा है और फिर क्यों हो रहा है, चीज हर चीज के पीछे बहुत सारा रीजन है। सबसे बड़ा रीजन हमारा अगर भगवान के साथ प्रेम है, हम हर जगह भगवान का हाथ देखते हैं, ये चीज सब भगवान ने किया हुआ है ना, ये भगवान का मास्टर प्लान था, डायरेक्टर कौन थे, भगवान। तो पता है कि ये चीज जो हो रही है, मैं भगवान से प्रेम करता हूँ, प्रभु रामचंद्र से प्रेम करता हूँ, ये सब चीज हो रहा है भगवान ने किए, तो ये भगवान का ही हाथ है, लेकिन वो अच्छे के लिए हो रहा है। उन्होंने क्या सोचा, पॉज किया गुस्से के ऊपर और वो याद किया प्रभु रामचंद्र मेरे से कितने प्रेम करते हैं और प्रभु रामचंद्र ने मेरे ऊपर कितना प्रेम है, और ऐसे ही याद किए जो जो मेमोरीज, और सीता महारानी के ऊपर भी गुस्सा जायज था, लेकिन देखा कि प्रभु सीता महारानी का और वो जो उनकी ममता है मेरे ऊपर वो याद किया। पॉज करना सीखे, तो इतने बड़े पर्सनल फाइट जो है गुस्से के वो कंट्रोल कर सकते, हम नहीं कर सकते कंट्रोल गुस्सा, हमारे अंदर प्रेम नहीं है, प्रेम में डिटर्मिनेशन है, हम उतने प्रेम में लत नहीं है। प्रेम कहाँ से आता है, सेवा से आता है, इसलिए हम मंदिर में बुलाती है सेवा है, गोपिका बोलती है सेवा है, वो सेवा है, सेवा है, सेवा है। हम जब तप करके उपवास भी नहीं करते, दो ही लोगों ने उपवास पकड़ा, इतनी कैपेसिटी है क्या, उपवास करना प्रॉब्लम नहीं, हम प्रेम की वजह से उपवास कर सकते हैं, हम निर्जल भी उपवास करते हैं, तो वो प्रेम की वजह से शक्ति मिलती है। तो अल्टीमेटली क्या है, प्रेम। जब एक माला नहीं होती, बैठो पांच मिनट नहीं कर सकते, घंटों हम हमको जो अच्छा लगता है वो देख सकते हो, चिंतन कर सकते हो, प्रेम नहीं है भगवान के ऊपर, लेकिन ट्राई करना कि ये मेरा ओरिजिनल फॉर्म है, तो कर करके फिर ही देखो, फिर प्रैक्टिकल करना आसान होता है। तो अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या है गुस्से का, मैं सिर्फ फार्मूला नहीं दिया भगवत गीता है, क्रोधा भवति सम्मोह सम्मोह स्मृति विग्रह, तो जो फॉर्मूला है वो रामायण महाभारत भागवतम में, तो ये पहला है, ये सिर्फ अंडर ग्रेजुएट है भगवत गीता, पोस्ट ग्रेजुएट भागवतम है, यहाँ पे रामायण भी आता है, महाभारत भी आता है, पांडव की स्टोरी भी आती है, तो ये हमें दिखाता है कि सही यूज क्रोध, क्रोध बुरा नहीं है। तो आप उसके आवेश में आते हैं, वो इग्नोरेंस है, तो तमोगुण रजोगुण, रजोगुण क्या है, मुझे चाहिए ताम, और तमोगुण क्या है, गुस्सा। तो ये दोनों चीज का उपयोग करने के लिए हमने ऊपर उठना चाहिए, और ये कब उठेंगे, जब जैसे विष्णु का उतार दिया था ना पिछले समय, कौन सी स्टोरी बताई थी मैंने, भगवान विष्णु ब्रह्मा की किसकी टेस्ट लिए थी, भृगु ऋषि ने टेस्ट लिए थे, है ना, भृगु ऋषि टेस्ट करने के लिए तो सबसे कौन है, तो आपको अच्छा बनना है जीवन में, आइडियल क्या है, जीवन का सक्सेस क्या है, ये कंट्रोल, कंट्रोल का अर्थ क्या है, साधु बनना। बोलते हैं साधु है शांत रहना चाहिए, क्रोधित क्यों होते, साधु का अर्थ ऐसा नहीं कि शांत, जहाँ गलत है ना वहां पे, जैसे एक पतंग उड़ा रहा है, पतंग उड़ा रहा है एक लड़का, उड़ाते गच्ची है ऊपर कॉर्नर में आ गया, अभी गिरने वाला है, साधु है चिल्लावत,
साधु है तो चिल्लाएगा, किसके लिए चिल्लाएगा? वो लड़का गिर जाएगा, नहीं चिल्लाएगा। तो साधु का अर्थ ऐसा नहीं है तो वो चिल्लाता नहीं है। तो सही जगह चिल्लाना, अगर भगवान के ऊपर आक्षेप हो रहा है, भगवान की निंदा हो रही है, भगवान के मंदिरों के ऊपर अटैक हो रहा है, साधु है चुपचाप सहन करो, एक गाल इधर है वो मार रहे, आप दूसरा भी गाल, ऐसा हनुमान जी ने किया होता तो हनुमान ने पूरे लंका जला दी। अर्जुन ने युद्ध, भगवान ने क्या बोला, युद्ध करो उनको मारो, गुस्से का उपाय किया ना अर्जुन ने भी, है ना। तो गुस्सा का उपयोग भगवान के लिए करना, क्योंकि वहां पे आप क्रोधाभवती सम्मोहित नहीं होने वाले। अर्जुन सम्मोहित नहीं हुआ युद्ध करते हुए, और हनुमान जी सम्मोहित हुए क्या? हाँ, उनके बुद्धिनाश हो गए, प्रणश्यति उनका भी, उनका विनाश हो गया क्या हनुमान जी का? नहीं ना। तो राइट यूज कब होगा? जहां पे भगवान का प्रेम होगा, और भगवान के प्रेम के लिए हमें आना है, मंदिर आना है। और ये कैसी कल्चर है आज इंदिरा एकादशी, तो ये ऐसे ही ना लगा के रखी है, दूसरे भी उपास है, लेकिन वहां पे ये देवता का वो देवता का उपास करके हमको ये चाहिए वो चाहिए, वो प्रथम स्तर है, लेकिन उससे भी ऊपर का स्तर है सेल्फलेस। आज का एकादशी का उपास क्यों है? कि भगवान के प्रेम के लिए उपास करना है। और भी कभी कभी ऐसे एक्सेप्ट आते हैं कि भगवान अगर तुम्हारे पिता है, बच्चों को क्यों बोलते हैं उपास करो, तपस्या करने के लिए क्यों बोलते हैं? उनको जरूरत नहीं है, हमें इस दिन तपस्या करें तो हम शरीर, हमारा मन, ये 11th डे ही उपास होता है, क्योंकि 3 दिन के बाद पूर्णिमा अमावस्या आती है, और उसमें बहुत सारे माइंड मन को कंट्रोल करता है, और मन में ऐसे द्रव रहते हैं जो गुरुत्वाकर्षण पूरे समुद्र में भरती होती है। अमावस्या पूर्णिमा के दिन इतना आवेग रहते तो मन में कितने आवेग होंगे, और ऐसे मन के आने वाले आवेग को कंट्रोल करने के लिए विशिष्ट साइंटिफिक उपास है। शरीर शांत होगा, शरीर के लिए अच्छा है, मन के लिए अच्छा है, ये तामसिक गुण कंट्रोल करने के लिए आप एकादशी पालन करना स्टार्ट करो, देखो आपका गुस्सा कंट्रोल होगा। आप सात्विक आहार चालू करो, आपका गुस्सा कंट्रोल होगा। ऊपर से आप ऐसे लोगों में रहो, आप जैसे लोगों में रहते वैसे आपको ध्यान, ध्याय तो विषयान कुंड सा, जो लोग कामुक है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बहुत मटेरियलिस्टिक है, उनके पास में रहेंगे तो बहुत तामसिक राजसिक गुस्से वाले बने। सात्विक लोग तो जैसे रहेंगे ना, जैसा रंग वैसा संग जैसा, है ना। तो आप जिनके लोगों पे रहेंगे उनका इफेक्ट तो आने वाला, वैसी आपकी इच्छा होगी, हमें मंदिर में आके आपके रील्स बदलेंगे, रील्स देखेंगे लेकिन अच्छे रील्स देखने लगेंगे, है ना। होते है ना चॉइस बदलती है ना, तो देखने में बुरा ही नहीं है रील्स, आंखों के ऊपर जो चीज के लिए बस मोड बदलना है आपको। मेरा श्री श्री राधा मुरलीधर भगवान की जय। अभी मेरे एंजॉयमेंट के जगह भगवान का एंजॉयमेंट, प्रॉपर एंजॉयमेंट में ये सेंसेस लगा रहे हो। तो आज इंदिरा एकादशी है और विशेष एकादशी है, क्या है आज? पितृपक्ष चालू है। हमने देखा था कि ये अब लोग बोलते हैं क्या, जीवित लोगों को खिलाना, मरने के बाद किसने देखा कौन? तो हमको वो शरीर ही पता है, शरीर के अंदर सूक्ष्म मन बुद्धि अहंकार, सूक्ष्म बॉडीज, मरने के बाद बॉडी जलाते हैं लेकिन अंदर का सूक्ष्म मन बुद्धि उसमें बहुत कुछ है, काम क्रोध लोभ, अंदर आत्मा प्योर है लेकिन ये लेयर से मुक्ति नहीं है, इसलिए उनको पनिशमेंट के लिए पूरा प्रवास है। हिसाब किताब आपको लगता है कि हमने क्या किया, पूरा 1-to-1 एक एक क्षण का हिसाब रहता है, वो जाने देने के लिए ऊपर जाना पड़ता है, संयम करो। 16-11 महीने का प्रवास रहता है, 13-12 दिन आत्मा घर में रहता है, 13 दिन से तैयार होता है वो जर्नी के। जैसे आपको दिल्ली जाना, आप तैयारी कितने करते हो, वैसे शरीर का अभी हो गया, उसके बाद आप, हमको ये साइंस सिखाया ही नहीं जाता इसलिए हमको विश्वास नहीं होता, हमको बस पता होता है हम बॉडी है, इसके पीछे कुछ नहीं है, हमको पता ही नहीं अंदर का है, ये स्टडी है बहुत साइंस। तो वो वहाँ पे 13 दिन में वो एक फ्रेश शरीर रहता है और उसको चलना है, इसलिए उसको पिंड देते हैं, और वो पिंड दान से उसको क्या मिलता है, शक्ति मिलती है। वहाँ पे 16 गांव है ना, एक एक गांव ऐसी है कि एक गांव में
500 डिग्री सेंटीग्रेड सन, अभी 50 अगर डिग्री सनलाइट है, अगर भुसावा का तापमान 50 का अनुभव करो, और ऐसे 50 सूर्य एक एक टाइम में अगर सूर्य फेंकेंगे तो क्या हीट होंगी, इसलिए चप्पल दिया जाता है। हमको लगता है यह सब सही सुनी बात है, अंदर श्रद्धा है। तो ब्राह्मण को दान दिया या ब्राह्मण को भोजन दिया उनको प्राप्त होता है। तो ये क्या है, सिस्टम की नहीं है। अगर मनुष्य ऐसी सिस्टम कर सकता है तो जिसने मनुष्य को बुलाया बनाया सिस्टम को सृष्टि को बनाया उनके पास ऐसी सिस्टम नहीं होंगी क्या? तो वहां पे वो पिंड दान करके उसको छाता दिया जाता है, चप्पल दिया जाता है। वो पिंड दान करे उनको वो खाना है उनका और ऐसा शरीर दिया जाता है। तो चलने के लिए पता है 2000 किलोमीटर रोज चलना पड़ता है आत्मा जो गया है ना उसको, तो 2000 किलोमीटर और ऐसा 86,000 किलोमीटर पार करने पर यम में संयम नगरी वहां पे पहुंचते हैं। वहां पे हिसाब किताब के लिए फिर क्यों रहती है और इतनी बड़ी क्यों रहती है, तब तक वेटिंग एरिया आपको रेलवे स्टेशन पे रहता है ना, ऐसा वेटिंग एरिया, ऐसा वेटिंग एरिया लोग है वो है पितृलोक, वहां पे हमारे लोग रुके हैं। आप बोलेंगे किसके किसका अच्छे रिएक्शन होंगे तो उनका पास भी होंगे, एक तो वो स्वर्ग में जाएंगे, वहां पे हिसाब किताब बनेगा, आपको स्वर्ग में भेजा जाता है थोड़ा देर के लिए आपका जितना बैलेंस है, वहां पे नर्क जितना आपकी पनिशमेंट, और उसके बाद सब बैलेंस होने के बाद फिर से आपको शरीर दिया जाता है। एक तो अच्छे कर्म होंगे तो मनुष्य जन्म में तो 86 लाख की तक है वो है। तो आप जिस योनि में है आपका अगर आगे है तो आप यहाँ पे अगर श्राद्ध करेंगे तो उनको, अगर प्राणी बने हैं आपके पूर्वज तो उनको घास के रूप में मिलेंगे। आप जहाँ पे है तो वहां पे उनको भगवान का प्रसाद से क्या होगा, नरिशमेंट होगी। बस खाना ही नरिशमेंट नहीं है, हम खाते हैं अन्न तो वो सिर्फ शरीर में पोषण होता है, शरीर बढ़ता है, लेकिन सही पोषण क्या है, मन की संतुष्टि, वो सही ग्रोथ है। और सबसे बड़ी संतुष्टि की हमने भगवान को भुला दिया जो सही मालिक है, हम मालिक बने हैं। प्रसाद में ये जादू होता है कि हमारी जो टेंडेंसी है ना मालिक बनने की, कि मैं भोगता, इसलिए गुस्सा आता है, हमको क्या लगता है मैं मालिक हूँ और सबने मेरा सुनना चाहिए, और नहीं सुनते इसलिए गुस्सा आता है ना, क्योंकि क्या प्रॉब्लम है, बेसिक क्या है, मैं प्रोप्राइटर हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं स्वामी हूँ, इसलिए सबने सुनना चाहिए, नहीं सुना तो गुस्सा आता है। तो मेन जड़ क्या है, मैं मालिक हूँ। तो इतने जल्दी जाएंगे कि इतने जन्म से स्वामी है हम और वही इच्छा लेके आए हैं, ये जन्म में नहीं हुआ वो इच्छा, मैं डॉक्टर बनना चाहती, नहीं बनाया मेरे माता पिता, फिर पूरा हमारा पाप का रिएक्शन नरक सरक होने का। इच्छा क्या थी मनुष्य जन्म जीवन में आए 86 लाख योनि से, फिर आज क्या मनुष्य जीवन मिला, इच्छा क्या थी डॉक्टर बनना, तो आपको पैसा कमाना पड़ेगा इतने मनुष्य जीवन के बाद, फिर आपका संचय होगा, फिर आपको वो जन्म में डॉक्टर बनने का ध्यान दिया जाएगा। क्या है, इच्छा है, कामना है, और फिर से ये चक्कर में पड़े हो, लेकिन ये इच्छा इतनी जल्दी नहीं जाएंगे। अभी सुना है नहीं नहीं प्रॉपर वो प्रॉपर इतना जल्दी स्विच ऑन बोलना क्या, इसलिए प्रसाद से क्या होता है, वो जो इच्छा है, इच्छा में अर्थ है इतने जन्म का भी प्रॉपरेट हो, धीरे धीरे डायलोट होता है। एकादशी करो वो प्रॉपरेटरशिप कम कम होगी, भक्तों का संग करो कम कम होगी, सेवा करो बहुत जल्दी कम होगा कि मैं मालिक हूँ, और वो सोल्यूशन है प्रॉपर गुस्सा का, बी पॉजिटिव, हम होंगे कामयाब। तो फिर समझी प्रैक्टिकल थोड़ा थोड़ा कर रही, तुरंत रिजल्ट आएंगे ऐसा मत सोचो, लेकिन प्रोसेस में लगे हो। तो बहुत सुंदर सीरीज चल रही है, हमने सिर्फ एक ही देखा सीता प्रज्ञा में कैसा चलता है, इसमें क्रोधा भवति सम्यक। अभी हमारा नेक्स्ट 72 श्लोक है दूसरे अध्याय के, कुछ ही श्लोक बाकी है और वो हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं हुआ, आगे के श्लोक पॉइंट वाइज देखेंगे। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर है कि हम भक्ति में आते हैं, मंदिर में आते हैं तो किसके लिए आते हैं, शॉर्ट टर्म मुझे पास करो, मेरे जीवन के दुख मिटना चाहिए, मेरे फैमिली के प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए, मैं आनंदित होना चाहिए, ये तो मिलने वाला है। शॉर्ट टर्म गोल मत रखो, लॉन्ग टर्म गोल रखो, सीत प्रज्ञ होना है ना। तो वो है सीत प्रज्ञ, अर्थात यहाँ पे भक्ति में स्थित होना है तो हमारे 10 बेनिफिट है, स्पिरिचुअल 10 बेनिफिट, वो सोचो, वो उसके लिए कामना है कि मुझे ये बेनिफिट चाहिए भक्ति में, वो ऊंचा है, ऊंचे पसंद तो ऊंचे पसंद रखो भाई, है ना। तो हमारे 10 बेनिफिट क्या है भक्ति में आके, हमको क्या चाहिए वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 समराइज करेंगे पूरा दूसरा अध्याय।
वो जो लास्ट टेस्ट होगी उसके ऊपर कि हमको अल्टीमेटली यहाँ आके रेगुलरली क्या मिलने वाला है और अभी तक मैंने क्या हासिल किया है पता होना चाहिए ना। सभी लगे रहिए, आप सभी रोज जब करना पॉसिबल होगा, एकादशी करना पॉसिबल होगा, कुछ तो मिलेगा तभी करेंगे ना। लेकिन हाइयर गोल रहेगा तो हम डिटरमाइंड होंगे। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज की इंदिरा एकादशी का फल है कि जो पाप करने के उत्ती रहता मैं भगवान को भूल जाता हूँ, मैं भोगता होता हूँ, इसलिए पाप है। हर एकादशी पाप हमारा पाप मिटाती है, लेकिन ये एकादशी में हमारे पूर्वज जो अटके हैं उनके जो पाप है उन्होंने भी खुद भोक्ताराम करके रहे, भगवान को सेंटर में नहीं रखा, इसलिए उनके नाम से जो पाप है या वो पाप में फंसे हुए हैं या नरक में फंसे हुए हैं या वेटिंग रूम में बैठे, तो उनको आप एकादशी करेंगे तो उनको फल मिलेगा। कितना अच्छा है ना, कितना प्रोविजन करके रखा है ना, लेकिन फिर भी हम नहीं उठाते, तो करना चाहिए एकादशी। अगर नहीं की तो एटलीस्ट अभी फास्टिंग मिलेगा, जो कुछ आधी लंगड़ी एकादशी बोलते हैं उनको, अभी खाना मत खाओ घर से, एटलीस्ट हम बोलेंगे ना निर्जल करो, अभी यहाँ पे सुंदर प्रसाद है आपको एकादशी का, वो प्रसाद खाओ और वो आधी एकादशी भी आपके पूर्वजों को स्मरण करके उनको दिया, बहुत बड़ा काम है। तो हम स्मरण नहीं करते, कभी कभी लोग करते प्रोसीजर, लेकिन उनको हम स्मरण करके उनको नहीं देते। ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए, तो वो नेचर से हम हमेशा शांत रहेंगे और धीरे धीरे शांत होते फिर अल्टीमेटली गुस्सा हमारा शांत हो रहा है। जी बॉडी।